और यहाँ बड़ी खबर का रुख करेंगे पंचकुला से। आपको बता दें कि नव चयनित टीजीटी शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा समेत कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पंचकुला से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हाल ही में 7400 के करीब टीजीटी शिक्षकों की भर्ती हुई है हरियाणा में, और उन्हीं के सम्मान के लिए ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रदेश भर के टीजीटी शिक्षक पहुंचे हैं, जिनका अभी अभी चयन हुआ है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। अनिल, हम आपके जरिए लगातार तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है पंचकुला में, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं अनिल? कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और क्या तस्दीक हो चुकी है इस खबर की कि जेपी नड्डा अब नहीं आ रहे हैं? देखिए मुमताज, इस वक्त हम पंचकुला के इंडोर स्टेडियम में हैं, ताऊ देवीलाल का इंडोर स्टेडियम है, जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। जो टीजीटी भर्ती हुई है, इस भर्ती में 7000 से ज़्यादा युवाओं की नौकरी लगी है, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है। जो ये ओरिएंटेशन कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को मौजूद रहना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ, तो ऐसे में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। तो तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री जेपी दलाल यहां पे पहुंच चुके हैं, खेल मंत्री संजय सिंह, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा वो यहां पर पहुंच चुकी है, जो तमाम मंत्री है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पर आएंगे, और यहां पर जो बड़ी संख्या में जो टीजीटी यहां पर पहुंचे उनकी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया थी। 7000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। शनिवार को एसएससी की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया, और मानिए रविवार को 90% के करीब जो टीजीटी भर्ती थे उनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करवा दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया, और कहीं ना कहीं हरियाणा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त भी सरकारी नौकरी एक बड़ा मुद्दा था। उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दावा किया जाता था कि बीजेपी सरकार ने पर्ची और खर्ची के सिस्टम को बंद किया। कांग्रेस सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी, मेरिट के आधार पर नौकरियां नहीं दी जाती थी, अब मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती है, और जो पूरा का पूरा इंडोर। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, जल्द फिर रुक करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मौजूद हैं अनिल मोर, उन्हीं से ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर जानते हैं। अनिल, अभी मुख्यमंत्री को आने में कितना वक्त है इस खास कार्यक्रम में? आपने बताया कि कई कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में, सीएम नायब सैनी कितनी देर में पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पर? शिक्षा मंत्री समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर्स आज के इस खास कार्यक्रम में यहां पहुंचने वाले हैं पंचकुला में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। टीजीटी अभ्यर्थी जिनका अभी अभी चयन हुआ है अपने पदों पर, जिनकी शिक्षकों की भर्ती अभी अभी हुई है, उन्हें सम्मानित करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को इस कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से उनका यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरियाणा के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचने वाली। तो तस्वीरें पंचकुला से आपके टीवी स्क्रीन पर है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम से ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर बने हुए हैं हमारे साथ पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम से सीधे, उनके जरिए जानेंगे अभी किस तरह की तस्वीरें। अनिल, कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे? आपने बताया कि कई कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। अध्यापक कहता पांच कैसे? वो कहता एक से, वो पहले ही मेरे थैले में है।
देखिए मुमताज, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता पहुंच चुके हैं, वित्त मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिका पहुंच चुकी है, खेल मंत्री संदीप सिंह, यूएलडी मिनिस्टर सुभाष सुधा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनिक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि मुख्य अतिथि के तौर पर जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री है उनको आना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ, वो इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ही इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं जो टीजीटी जो भर्ती हुए है, जो नवनियुक्त जो टीचर्स है उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर यह भर्ती प्रक्रिया हुई है। 7,000 से ज्यादा युवाओं की जो नौकरियां हैं वो यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां तमाम पूरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे, बड़ी संख्या में जो टीजीटी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 7400 से ज्यादा जो टीजीटी टीचर्स थे उनकी जो है पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया थी, ज्यादातर की तरफ से ज्वाइनिंग कर ली गई। शनिवार को SSC ने रिजल्ट जारी किया था, रविवार को DSC की तरफ से तमाम टीचर्स नवनियुक्त टीचर्स को ज्वाइन वहाँ पर करवा दिया गया। तो ऐसे में इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया के जरिए एक बड़ा संदेश प्रदेश सरकार देना चाहती है, क्योंकि अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं, 2 से 2.5 महीने विधानसभा चुनाव के बचे। तो ऐसे में हरियाणा में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती है, पर्ची खर्ची पर बंद हो चुकी है। युवा जो पढ़ाई करेगा, जो मेरिट में आएगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो ये एक संदेश देने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से आंकड़े भी रोजगार को लेकर यहाँ पर रखे जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में पक्ष विपक्ष आंकड़ों के आधार पर आमने सामने रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि मौजूदा सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मौजूदा सरकार की तरफ से आंकड़े रखे जाते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर तकरीबन 5.5 साल की बात करें, 5.5 साल में 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। SKRN के जरिए लाखों युवाओं को अलग से नौकरियां दी गई है। वहीं जो पूर्व की हुड्डा सरकार होती थी उस सरकार में 60 से 70 हज़ार ही सरकारी नौकरियां दी गई थी। तो ऐसे में रोजगार के आंकड़ों पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने रहते, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री इस मंच से संबोधित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से इस मंच के जरिए जब बातें रखी जाएगी, उनकी तरफ से कहने के जो तमाम आंकड़े हैं रोजगार के, वो तमाम आंकड़े युवाओं के बीच में रखे जाएंगे, प्रदेश के बीच में मुख्यमंत्री आंकड़े रखेंगे कि अभी तक कितनी सरकारी नौकरियां दी गई है, दो ढाई महीने बचे हैं, इस महीने इन बचे हुए समय में कितनी और नौकरियां दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर आज मुख्यमंत्री की तरफ से कई अहम बातें कही जा सकती है। अनिल, फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका।